कि हमारे देश के अंतर्गत, हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग जातियाँ हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत जो राजनीति है, ये जो चुनाव होते हैं, कि राजनीति में जाति किस तरीके से एक प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बनाए हुए है। पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे समाज की एक 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 तस्वीर हमारे सामने प्रदर्शित करता है, जो ये दिखाता है कि भारत के अंदर जो हमारी विधायिका है, संसद हुई या फिर हमारी विधानसभाएं हुई, उसके अंदर महिलाएं बहुत, उनकी स्थिति बहुत खराब है। आजादी को प्राप्त करता है तो देश के नेताओं को ये संशय था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना, कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को आगे बढ़ाएं, तो देश में सभी धर्मों को समान मानकर आगे बढ़ने की बात की गई। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक क्लास में। हम लोग अपनी कक्षा दसवीं के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा दसवीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारी ये समरी सीरीज। जी हाँ, इस समरी सीरीज के अंतर्गत हम लोग आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना रिस्पॉन्स भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कक्षा दसवीं के प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अध्याय है जो आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर है। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम मेरे पीछे लिखा हुआ है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। और ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है, आपकी जो राजनीतिक विज्ञान या फिर जो हमारी पॉलिटिकल साइंस वाली पाठ्य पुस्तक है ना, उसके अंतर्गत हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है। पेपर से आप देखते हैं कि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी ऐसी बातें इस चैप्टर के अंदर हैं जो हमारे समाज के बारे में हमें बताती हैं और हमारे समाज के जो एक दृश्य है उसको हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं। स्टार्ट करते हैं, है ना, डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे इस चैप्टर में जो हमें राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत दिखता है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसके अंतर्गत हम लोग किन किन बिंदुओं को अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले अपनी आज की इस क्लास में सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के अंतर्गत, हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग जातियां हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत जो राजनीति है, ये जो चुनाव होते हैं या फिर जो पॉलिटिक्स होती है या फिर हमारे देश के अंतर्गत जो लोगों को काम दिया जाता है वो उनके लिंग के आधार पर। अगर आप स्त्री हैं तो ये माना जाता है कि आपको कुछ अलग तरीके के काम करने हैं, अगर आप पुरुष हैं तो ये माना जाता है कि आपको कुछ अलग तरीके के काम करने हैं। तो काम के आधार पर है ना, कि हमने जो काम बांटा है, जो श्रम बांटा है, उसका लैंगिक विभाजन है कि लिंग के आधार पर हम देखते हैं कि कामों का बंटवारा किया गया है। क्या भारत के अंदर सबको समान तरीके से काम मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक आंदोलन दुनिया के अंतर्गत शुरू होता है दोस्तों, जिसे नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये नारीवादी आंदोलन था क्या, ये नारीवादी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इस नारीवादी आंदोलन से आखिर चाहा क्या जा रहा था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी महिलाएं हैं वो राजनीति के अंदर कितनी हैं, क्या भारत के अंतर्गत महिलाएं पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं, अगर आती हैं तो कितनी आती हैं, और अगर नहीं आती तो उनके ना आने के क्या कारण है, उसको समझेंगे। हमारे देश के अंतर्गत जो राजनीति है, जो चुनाव होते हैं, वो धर्म से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। देश के अंतर्गत आज के समय में भी चुनावों के अंतर्गत आप देखते हैं कि लोग जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि आप मेरे धर्म के हैं, मुझे वोट दें। और वोटिंग को मानते हुए जब नेता किसी व्यक्ति से अपने वोट को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कहता है कि आप हमें वोट दें, तो वो धर्म को आधार बनाता है। ये कैसे हमारे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, ये देखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि देश की पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में जाति किस तरीके से एक प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बनाए हुए है। हमारे देश के अंदर जातियों पर आधारित पूर्वाग्रह है। ये माना जाता है कि कुछ जाति हैं जिनको आप देखते हैं कि शुरुआती समय से बहुत ज्यादा शोषित किया गया, उनको काफी ज्यादा पीछे रखा गया, उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति के अंदर हमारी जो आप देखते हैं कि जातियां हैं उनकी क्या स्थिति है वो देखेंगे, और देश के अंतर्गत हम लोग जातिगत असमानता को देखेंगे कि जातियों के आधार पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकास की धारा में बहुत पीछे रह गए हैं और बहुत से ऐसे जातियां हैं जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। इनके अंतर को और इनके कारणों को भी समझने की कोशिश इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे समाज की एक 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 तस्वीर हमारे सामने प्रदर्शित करता है। तो मोटे तौर पर दोस्तों ये होंगे हमारे 8 बिंदु और इन्हीं 8 बिंदुओं के अंदर आपका जो पूरा का पूरा अध्याय है वो हम लोग खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर एक बिंदु को आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और यहां पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं श्रम का लैंगिक विभाजन के। मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये एक प्रकार से मान लिया गया है, श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है कि अगर हम लोग अपने समाज के अंदर देखें तो ये कटु सत्य है, ये बिल्कुल सच बात है, और इसका सही सही एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है। हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे आसपास ये मान लिया गया है कि जो महिलाएं होती हैं ना,
हैं उनको क्या करना है, महिलाओं को तो सिर्फ घर का काम करना है, बच्चे पालने हैं, और वहीं जो पुरुष है उसको बाहर के काम करना है ना। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है कि हमने काम को लोगों के लिंग के आधार पर बांट दिया है कि स्त्रियों के लिए कुछ स्पेसिफिक काम होंगे वही काम स्त्रियों को करना होगा और पुरुषों के लिए कुछ निर्धारित काम होंगे वही पुरुषों को करना होगा। तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि ये हमारे समाज का एक बहुत ही भयावह दृश्य हमें दर्शाता है कि महिलाओं को मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि सिर्फ घर गृहस्थी के कामों से संबंधित माना जाता है और पुरुषों के लिए ये माना जाता है कि वो क्या करेंगे, वो बाहर के कामों को करेंगे, है ना। क्या ऐसा संभव नहीं है कि पुरुष और महिला दोनों बाहर के काम को कर सकें? ऐसा संभव है, लेकिन हमारी ये सोच रही है प्राचीन समय से ही कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम करेंगी और जो पुरुष होंगे वो बाहर के काम हमें करते हुए दिखेंगे, है ना। और अगर हम लोग अपने समाज को देखें, अगर हम लोग अपने भारतीय समाज को देखें या फिर अगर हम लोग दुनिया को भी देखते हैं दोस्तों, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारी ये जो पूरी की पूरी दुनिया है इसके अंतर्गत हमेशा से पुरुषों का क्या रहा है दोस्तों, आप देखते हैं कि वर्चस्व रहा है। वर्चस्व का मतलब है कि भैया पुरुषों की ही बोलबाला रहा है, पुरुष ही ज्यादा ताकतवर रहे हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों कि सार्वजनिक जीवन हुआ कि अगर हम लोग देखें कि अगर घर का कोई बड़ा फैसला लेना है, मोहल्ले का कोई बड़ा फैसला लेना है, शहर का कोई बड़ा फैसला लेना है, तो प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि महिलाओं को उसमें ज्यादा योगदान नहीं दिया, पुरुष लोग ही उसके अंदर ज्यादा बड़े स्तर पर आपको देखते थे कि शामिल हुआ करते थे। और दूसरी तरफ जो महिलाएं थीं उनको सिर्फ कहां तक रखा गया कि उनको घर की चार दीवारी तक ही समेटा रखा गया कि महिलाओं का सिर्फ काम क्या है कि वो घर के चौखा चोला जो होता है उसको संभालें, बच्चों को पैदा करें और बच्चों को पालें, बस यही काम आप देखते हैं कि प्राचीन समय के अंतर्गत माना जाता था कि ये महिलाओं के काम रहे थे। लेकिन क्या यही महिलाओं के काम है? क्या जो चीज पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं नहीं कर सकती? क्या जो काम महिलाएं कर सकती हैं क्या वो काम पुरुष नहीं कर सकते? इसी पर हमारा ये पूरा का पूरा आप देखते हैं कि दोस्तों बिंदु आधारित है। अब जो ये सोच रही थी, है ना, अगर हम लोग अपने समाज के अंदर भी देखें दोस्तों कि कुछ इसी प्रकार की सोच हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग अपने घरों में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर जो घर के काम होते हैं या तो वो आपकी मम्मी करती हैं, या तो आपकी दीदी करती हैं, या तो आपकी चाची करती हैं, है ना। और ऐसे ही जो बाहर के काम है वो आपसे अपेक्षा की जाती है अगर आप एक पुरुष स्टूडेंट हैं, या फिर आपके पिताजी से या फिर आपके भाई से कराई जाती है। और ये एक वास्तविक तौर पर हम देखते हैं कि एक सोच रही है। लेकिन हम देखें कि महिलाओं को शुरुआती समय से बहुत ही कम अधिकार दिए गए थे, महिलाओं को उतना ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया था। पुरुष सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ रहे थे और महिलाएं सिर्फ सीमित रह गई थी घर की चार दीवारी में। और इसी बात को देखकर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों इसी चीज को देखकर आप देखते हैं कि एक नई सोच हमें समाज के अंतर्गत आती हुई दिखती है कि जो अधिकार पुरुषों के पास है, है ना, कि जैसे अधिकार पुरुषों के पास है वैसे ही समान अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। इसी सोच को लेकर एक आंदोलन शुरू होता है। और ये आंदोलन दोस्तों हम देखते हैं कि कहां से शुरू होता है। ये आंदोलन की शुरुआत होती है अमेरिका से और धीरे धीरे ये आंदोलन और इसकी सोच दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचती है। हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत भी आप लोग देखते हैं कि दोस्तों ये आंदोलन पहुंचता है। तो नारीवादी आंदोलन आप देखते हैं कि एक सोच थी जिसके अंतर्गत यह कहा जा रहा था कि जो अधिकार पुरुषों के पास हैं भाई वैसे ही समान अधिकार महिलाओं को भी मिले। इसी अधिकार है ना कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले और जो अधिकार पुरुषों के पास है वही अधिकार महिलाओं के पास हो। इसी बात को देखकर हम देखते हैं कि अमेरिका में ये नारीवादी आंदोलन शुरू होता है और बाद में धीरे धीरे आप देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस नारीवादी आंदोलनों के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में जो लैंगिक मसले हैं, लैंगिक मसले का मतलब कि लिंग के आधार पर जो हम मतभेद देखते हैं वो राजनीति और सार्वजनिक तौर पर भी हमें काफी देखने को मिला है। तो प्राचीन समय में अगर हम लोग देखें दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले की अगर हम लोग समाज को देखें तो उसके अंतर्गत उतनी ज्यादा महिलाएं हमें नहीं दिखती थी जो घर के बाहर आकर काम करती हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में देखें दोस्तों तो हमें दिखता है कि बड़े स्तर पर महिलाएं आई हैं, बड़े स्तर पर महिलाओं को अलग अलग तरीके के काम करने का मौका मिला है और महिलाओं को भी उस तरीके के अधिकार मिलने लगे हैं जिस तरीके के अधिकार पुरुषों के समान रहे थे। अगर भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो प्यारा भारत देश है, आप सभी को पता है कि कैसा देश है दोस्तों, एक पितृप्रधान देश है ना। पितृप्रधान देश का मतलब है कि यहां पर जो फैसले लिए जाते हैं ना वो पिताजी के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। आप अपने घर के बारे में भी बताइएगा, सच में वास्तविकता से आंसर दीजिएगा कि आपके घर के अंदर जब भी कोई फैसला लेना होता है क्या वो पिताजी लेते हैं, क्या मम्मी पापा दोनों मिलकर लेते हैं, या फिर दादाजी लेते हैं, या फिर दादी जी लेती हैं? सच सच आप लोग अगर अपना आंसर बताएंगे तो हम लोग अपने समाज का एक सही चेहरा देख सकते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि भारत के अंदर अधिकतर घरों में, अधिकतर हमारे फैमिलीज के अंदर हम ये देख पाते हैं कि अभी भी जो बड़े फैसले लेने हैं वो पुरुषों के द्वारा ही देखने को मिलते हैं।
और भारत का जो समाज रहा है दोस्तों, हम देखते हैं कि वो एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखें कि हमारे देश के अंदर जो महिलाएं रही हैं ना दोस्तों, है ना, पुरुष आप भी आपको दिखता है कि दोस्तों फैसले ले रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी तेजी से आपको दिखता है कि दोस्तों वो आगे बढ़ती हुई हमें दिख रही हैं। और महिलाओं को हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं ना, तो बहुत से स्तर पर हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो महिलाओं के इस आगे बढ़ने को बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं दोस्तों, पसंद नहीं करते हैं, और वो महिलाओं के साथ क्या करते हैं दोस्तों, उनको भेदभाव झेलना पड़ जाता है, है ना। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि अगर कोई काम किसी क्षेत्र में, अगर हम लोग देखें कि किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई काम अगर कोई महिला कर रही होती है और वही काम अगर कोई पुरुष कर रहा होता है, तो हम देखते हैं कि महिलाओं को सेम काम करने के कहीं ना कहीं कम पैसे मिलते हैं। तो अभी भी अधिकतर भारत के इलाकों में हम लोग देखें कि महिलाओं के साथ जो पैसे देने की बात है, सेम काम कराया जा रहा है लेकिन महिलाओं को कम पैसा देंगे और पुरुषों को आप देखते हैं कि ज्यादा पैसा देंगे, कुछ इस तरीके का भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है। वहीं देश के अंदर अगर हम लोग साक्षरता की बात करते हैं, हमारे देश में साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में लगभग 76% जो लोग हैं दोस्तों वो पुरुष हमें साक्षर दिखते हैं और महिलाएं 54% हमें साक्षर दिख रही हैं, यानी कि हर 100 में से 54 महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं और हर 100 में से 76 पुरुष पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों, देश को तो आजादी सही समय पर मिली थी, साल 1947 में आजाद हुए थे, तो पुरुष ज्यादा कैसे पढ़ लिए और महिलाएं कम पीछे कैसे, महिलाएं कम कैसे रह गई, महिलाएं पीछे कैसे रह गई, इसके पीछे कारण यह है कि उनको ज्यादा बढ़ने के अवसर अभी भी नहीं मिले हैं। आजाद हुए हमें 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि इन 75 सालों में पुरुष अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को उतना बड़ा स्तर हम लोग देखते हैं कि नहीं मिल पा रहा है। अगर दोस्तों यही बात मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक तौर पर अगर हम लोग देखें दुनिया के अंतर्गत, अगर हम लोग बड़ी कंपनीज को देखते हैं, जैसे यहां पर आपके सामने चित्र रखा गया है, अगर आप लोग देखें दोस्तों, तो ये दुनिया की अलग अलग कंपनीज के बड़ी बड़े सीईओ हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं किसी कंपनी के, चाहे आप देखते हैं कि गूगल के सुंदर पिचाई हों या फिर आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हों, इन सभी में अगर आप लोग देखें दोस्तों, तो इनके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर तो आपको सारे के सारे पुरुष ही दिख रहे हैं। क्या कोई महिला है? जी हाँ, एक है ना, पेप्सिको की इंदिरा नूरी, सिर्फ एक महिला हमें देखने को मिल रही है। तो ऊंचे पदों पर भी अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में जो हमारी महिलाएं हैं ना, वो हमें काफी कम देखने को मिल रही है। तो पुरुषों की तुलना में हम देखते हैं कि महिलाएं अभी भी ऊंचे बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि पिछले 100 साल 50 साल की अगर हम लोग स्थिति को देखते हैं, तो उसके हिसाब से तो चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बड़े स्तर पर पुरुष ज्यादा आगे हैं और महिलाओं को उतना बड़ा स्तर हमें नहीं मिल रहा है ना। वहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अभी भी बहुत सी जगहों पर कम वेतन देखने को मिलता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं से अभी भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अधिक घंटे काम कराया जाता है। बहुत से जो ग्रामीण इलाके हैं, जब महिलाओं को काम दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो चाहे हमारे पढ़े लिखे लोग हों, उसके अंतर्गत भी हमें महिलाओं का समान अनुपात नहीं दिख रहा कि भाई अगर 10 सीईओ हैं तो 5 पुरुष हो 5 महिला हो, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा। और अगर छोटे स्तर पर हम लोग देखें, तो महिलाओं को कम वेतन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें दोस्तों कि आज भी जो हमारे अधिकांश परिवार है ना, वहां पर लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ही अधिक परिश्रय दिया जाता है। ये कहा जाता है कि भैया लड़का पैदा हुआ है तो घर का चिराग पैदा हुआ है, घर का लाल पैदा हुआ है, घर को आप क्या करेगा दोस्तों, आगे बढ़ाएगा हमारा ये बेटा। और आप देखते हैं कि अभी भी भारत के बहुत से देशों, भारत के बहुत से शहरों में, इलाकों में ये माना जाता है कि लड़के होने पर खुशी मनाई जाती है और लड़की होने पर ज्यादा खुशी आप देखते हैं कि नहीं मनाई जाती। और लड़कियों को हम देखते हैं कि क्या कर दिया जाता है दोस्तों, भ्रूण में ही होने से पहले ही आप देखते हैं कि मार दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ी भयावह स्थिति हमारे समाज की हमारे सामने क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता आ रहा है। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा भारत है वो लिंग अनुपात में महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है। अगर हम लोग देखें दोस्तों साल 2011 के आंकड़े को अगर हम लोग देखते हैं, है ना, साल 2011 के आंकड़ों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे देश के अंतर्गत जनसंख्या को क्या किया गया था दोस्तों, गिना गया था। देश की जो जनगणना हुई थी, आखिरी जनगणना हम देखते हैं कि दोस्तों, हम देखते हैं कि साल 2011 के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, लगभग 12-13 साल पहले ये जनगणना हुई थी। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें, जो प्रति 1000 पुरुष हैं, उस प्रति 1000 पुरुष पर हमारे पास क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि 940 के करीब हमें महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो अभी भी लगभग 60 महिलाएं कम थी।
है ना। लेकिन अगर वर्तमान आंकड़ों को हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ये नंबर बेहतर हुआ है साल 2023 में। अगर हम लोग देखें दोस्तों, भारत की सरकार ने जो थोड़े बहुत आंकड़े प्रदर्शित किए हैं उसके हिसाब से अब जितने पुरुष हैं उससे ज़्यादा महिलाएं हुई हैं। इसके पीछे वजह यह है कि अब हमने कन्या भ्रूण हत्या पर कहीं ना कहीं रोक लगाई है ना। लेकिन अगर हम पुराने आंकड़ों को देखते हैं तो ये हमें बताता है कि महिलाएं और पुरुष जो है भारत के अंदर वो बड़े स्तर पर हमें क्या देखते थे, पुरुष ज़्यादा थे और महिलाएँ कम थीं। महिलाओं के साथ हम देखते हैं कि दोस्तों बड़े स्तर पर अत्याचार भी होते रहे हैं। उनको छोटी छोटी बातों पर घर में आप देखते हैं कि दंड दिया जाता है, परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि महिला आप देखते हैं कि सक्षम नहीं है। वो अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने पिता पर आश्रित है, इसी वजह से उनको सहना पड़ता है। और ये जो पुरुष होते हैं दोस्तों अपनी इस बात का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि समाज के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं काम के आधार पर तो महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई है, पहले के मुकाबले में बेहतर हुई है, लेकिन जितनी बेहतर होनी चाहिए उतनी बेहतर तो हमें नहीं दिखती है। अगर बात की जाए दोस्तों पॉलिटिक्स की या फिर राजनीति की, देश के अंतर्गत अगर हम लोग चुनावों की बात करें, देश में कितनी महिला नेता हमें दिखती हैं, अगर हम लोग दोस्तों आपके सामने भारत में मौजूद हमारे जितने भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनके चित्र को रखते हैं और देखते हैं कि कितनी महिला मुख्यमंत्री है। वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में हमारे पास कितनी महिला मुख्यमंत्रियां हैं, इसको अगर हम लोग डिस्कस करें दोस्तों तो इस दिए गए चित्र में सिर्फ हम देख पा रहे हैं कि 28 में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक महिला मुख्यमंत्री हमें देखने को मिल रही है। क्या आप लोग बताएंगे दोस्तों कि कहां पर है? हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ना, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वही एक महिला मुख्यमंत्री, और बाकी सारे के सारे आप देखते हैं कि दोस्तों हमें पुरुष दिख रहे हैं। क्या महिला इस योग्य नहीं है कि वो नेता बन सके? क्या महिला इस योग्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके? ऐसा नहीं है। कारण ये है कि अभी भी वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर महिलाओं को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है कि वो पॉलिटिक्स में आ पाएँ, चुनाव में आ पाएँ, है ना, और लोगों को एक एक अच्छा मौका मिल सके, महिलाओं को बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि मौका मिल सके। तो राजनीति की अगर बात की जाए दोस्तों, पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है। देश के अंदर जो हमने इतने सारे मुख्यमंत्री देखे, सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हमें मिली, जो ये दिखाता है कि भारत के अंदर जो हमारी विधायिका है, संसद हुई या फिर हमारी विधानसभाएं हुई, उसके अंदर महिलाएं उनकी स्थिति बहुत खराब है। देश के अंदर लगभग 51% पुरुष है और 49% हमारी महिलाएं हैं, है ना। अब 51% पुरुष हैं और 49% हमारी महिलाएं हैं। इन 49% से सिर्फ एक महिला हमें आती हुई दिख रही है, जो बताती है कि भारत के अंदर महिलाओं को पॉलिटिक्स में बड़े स्तर पर मौका नहीं मिल रहा है। महिला मंत्रियों की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो भी हमारे देश के अंतर्गत हमें बहुत कम देखने को मिलती है ना। देश के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की, है ना, प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ अगर हम लोग अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ दो ही आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास महिला मंत्री हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा आपको कोई महिला नहीं दिख पा रही है। देश के अंदर 49% है, लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों देश के अंदर मंत्री के तौर पर सिर्फ हमारी दो महिलाएं हमें दिख रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत के अंदर जो स्थिति है महिलाओं की पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक संतुलित तौर पर नहीं है, एक बहुत ही असंतुलित स्थिति हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों कि महिलाओं को राजनीति में, हमने ये तो देख लिया कि वो ज़्यादा नहीं है, है ना, लेकिन इसको बेहतर करने का तरीका हमारे सामने मौजूद है। भारत के अंदर जो हमारे स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव का मतलब क्या है दोस्तों? हमारे स्थानीय चुनाव का मतलब होता है कि देश में जो हमारे स्थानीय चुनाव को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, हमारे स्थानीय चुनाव को हम लोग कहते हैं शहरों के लिए जो हमारी नगर निगम होती है, और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि हमारी गाँव के लिए जो होती है पंचायत, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें सबसे पहले ये कोशिश की गई कि हम महिलाओं को राजनीति में लेकर आएं। तो देश में जितने भी हमारे नगर निगम के चुनाव होते हैं या फिर जो हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें ये कोशिश की जाती है कि भैया एक तिहाई सीटों को क्या होगा, वो महिलाओं के लिए पूरे तौर पर आरक्षित की गई हैं। यानी कि लगभग 33% जो नेता लोग होंगे ना, चाहे पंचायत हो या फिर नगर पालिका, वो महिलाओं के ही आपको आते हुए दिखेंगी, है ना। और बड़े स्तर पर ये कोशिश की जाती है, छोटे है ना, हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे स्थानीय चुनाव हो उसके अंदर चाहे नगर निगम में नेता होंगे उसमें 33% महिलाएं होंगी, और ऐसे ही पंचायत के अंदर भी 33% आपको महिलाओं को रखना होगा, जिसके जरिए हम महिलाओं को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत में जो हमारा संसद है, भारत की जो लोकसभा है, उसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के लिए आरक्षण बिल को लाया जाए, है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल को लाया जाए। हालांकि इस पर आप देखते हैं कि हाल के समय में अगर हम लोग देखें, साल 2023 में इस आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है, और आने वाले जो चुनाव होंगे,
है ना, जो अगले चुनाव होंगे उस तक हम देखते हैं कि भारत के अंदर महिलाओं को संसद में भी आरक्षण मिल चुका होगा। तो स्थानीय चुनावों में तो महिलाओं को पॉलिटिक्स में शामिल किया गया है, ताकि इनको शामिल करने के बाद हम लोग क्या कर सकें दोस्तों, हम महिलाओं को चुनाव में शामिल करने के बाद इनकी स्थिति को बेहतर कर सकें, है ना। भारत की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए दोस्तों, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत देश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हम एक बहुत ही विचित्र घटना यहाँ पर देखते हुए हैं और बड़ी ही रोचक ये घटना हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग अपने प्यारे भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारा ये बिंदु है, अगर हम लोग इसको देखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक बड़ी ही ये रोचक घटना हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इसको हम लोग एक एक कर आप सभी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं या फिर जो हमारी ये राजनीति है ना, वो धर्म पर आधारित है। जी हाँ, हम देखते हैं कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर चुनाव को कराते हुए देखा जाता है। जो नेता लोग होते हैं ना, वो अपने काम के आधार पर वोट मांगते हुए नहीं दिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप भी मेरे धर्म के, मैं भी आपके धर्म का, आप मुझे ही चुने। और लोग भी धर्म के आधार पर ही भारत के अंदर अपने नेता लोगों को चुनते हुए देखते हैं। तो हमारे देश के अंतर्गत दोस्तों, हम देखते हैं कि धर्म लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और इसी का आधार देखकर हम देखते हैं कि भारत में क्या किया जाता है दोस्तों, चुनाव जब होते हैं ना, तो धर्म के आधार पर ही क्या किया जाता है, वोट मांगने की कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है समाज के लिए, है ना। अगर आपको अपना वोट देना है, तो आपको वोट देना है उस व्यक्ति को जो काम करे, जो काम के वादे करे, ये थोड़ी कि जो धर्म के आधार पर बातें करें। अगर भारत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं या फिर कुछ और देशों के संदर्भ में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय को बढ़ावा दिया जाता है, दुनिया के अंतर्गत बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। जैसे अगर आप देखें दोस्तों कि बहुत से ऐसे देश हैं जिसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं, जिसके अंतर्गत किसी धर्म या फिर किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अगर ज्यादा है, अगर वो लोग बहुसंख्यक हैं, उसको बढ़ाया जाता है, तो इससे उस देश के अंदर जो रहने वाले अल्पसंख्यक हैं ना, उनके लिए आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो जाता है। भारत के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत लगभग 80% जो हमारे लोग हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं। उसी के साथ आप देखते हैं 13% मुस्लिम धर्म से आते हैं, 2% क्रिश्चियन है, 1% सिख है, और फिर दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग हमें देखते हैं, है ना। अच्छा, अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ये माना जाता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि धर्म अन्य धर्मों से बेहतर है। कुछ लोगों का ये सोच रही है कि भाई जो हमारा धर्म है ना, वो तो सबसे बढ़िया है, वो तो सबसे बढ़िया, बाकी सभी धर्म समान है, बाकी सभी धर्म बेकार हैं। बहुत से लोगों की ये सोच रही है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरा धर्म तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, और बाकी सभी धर्म क्या है दोस्तों, बेकार हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों। इसी वजह से आप देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर झगड़ा या फिर आप देखते हैं कि वर्चस्व पैदा होने लग जाता है, परेशानियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, कि जब कुछ लोगों को, किसी धर्म के मानने वाले कुछ लोगों को ये लगे कि भाई हमारा धर्म तो अन्य सभी धर्मों से बेहतर है, और हमें क्या करना है, अब तो हमें अपने धर्म को दूसरे धर्मों पर क्या करना है, थोपना है। भारत की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर सभी धर्म समान है, देश के कानून ने सभी धर्मों को समान बताया, लेकिन अगर इस प्रकार की आप देखते हैं कि सोच आने लग जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें क्या दिखता है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं हमारे जो देश का एक अपनापन है, वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर होता हुआ दिखता है। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी संख्या देश में कम है, वो उनको क्या लगता है दोस्तों, वो असुरक्षित महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके की सोच होगी, तो देश के अंदर आप देखते हैं कि अपनापन नहीं रहेगा, और अगर अपनापन नहीं होगा, तो आप देखते हैं कि इससे देश के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे देश के अंदर ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण का मतलब बंटवारा होना शुरू हो जाएगा, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों, कि अगर देश में लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाएगा कि भाई तुम हमारे धर्म के हो, हमारा धर्म अच्छा है, बाकी सभी धर्म बेकार है, हम अपने धर्म के लोगों को देश में आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं को नौकरियां देंगे, उन्हीं को काम देंगे, तो देश के अंदर क्या होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि देश के अंदर झगड़ा होगा, फसाद होगा, दंगे होंगे, और यही जो दंगे हैं दोस्तों, ये सांप्रदायिकता का रूप ले लेंगे, है ना। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब आप अपने देश के अंदर धर्म के आधार पर क्या करते हैं दोस्तों, भेदभाव करते हैं, अपने धर्म को ऊपर बताते हैं, दूसरे के धर्म को नीच बताते हैं, हीन बताते हैं, और उस आधार पर क्या होता है दोस्तों, मतभेद होता है, तो उसी की वजह से हमें सांप्रदायिकता के दंगे देखने को मिलते हैं। याद होगा दोस्तों, एक देश था श्रीलंका, और इस देश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी नामक चैप्टर में। हमने देखा था कि श्रीलंका के अंदर दो समूह हमें देखने को मिलते हैं, एक था सिंगली भाषा समूह, और दूसरा कौन सा था दोस्तों, दूसरा था हमारा तमिल भाषा समूह। ये जो तमिल लोग थे दोस्तों, आपको दिखता है कि ये 18% थे मात्र, है ना, और सिंगली लोग दोस्तों आपको 74% के करीब दिख रहे थे। अगर आपको याद होगा, ये जो सिंगली लोग थे, ये कौन से धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म को माना करते थे, है ना, और ये जो हमारे तमिल लोग थे, ये हिंदू भी थे, इनके अंदर आपको दिखता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले भी थे, और इनके अंदर आपको दिखता है कि मुस्लिम लोग भी शामिल थे।
अब हुआ क्या था कि जब श्रीलंका आजाद हुआ तो उसके बाद ये जो सिंगली लोग थे जिनकी संख्या ज्यादा थी, इन्होंने देश के शासन पर कब्जा कर लिया। और फिर आप देखते हैं कि 1948 में इन्होंने एक कानून बना दिया था जिसके तहत अपने ये जो सिंगली लोगों का धर्म था, बौद्ध धर्म, इसको आगे बढ़ाया और तमिल लोगों के धर्मों को नीचा किया, इनकी भाषा को नीचा किया। इससे इस देश के अंदर क्या हुआ, क्या ये लोग करीब आए, क्या इन लोगों में प्रेम बढ़ा? नहीं, इन लोगों में मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ। तमिल लोग सिंगली लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और इस देश के अंदर गृह युद्ध हो गया। बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जान और माल की हानि हुई। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, कि अगर हम लोग राजनीति के अंदर धर्म को शामिल कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से श्रीलंका की जैसी भयावह स्थिति हमें देखने को मिलती है। देश के अंदर आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे को जान से मारने की चीजों पर आप्रूत हो जाते हैं। अब भारत के अंदर इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला गया है? हमारे प्यारा भारत देश जब आजादी को प्राप्त करता है तो देश के नेताओं को यह था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना, कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को आगे बढ़ाएं। तो देश में सभी धर्मों को समान मानकर आगे बढ़ने की बात की गई। और हमारे देश में क्या किया गया दोस्तों, हमारे देश में हमारे देश को धर्म निरपेक्ष शासन का क्या किया गया दोस्तों, घोषित किया गया। यह बताया गया कि हमारे देश में जितने भी धर्म है, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, भारत के अंदर मौजूद जितने भी धर्म है ना, देश की नजर में आपको क्या दिखता है कि वो समान है। और देश की सरकार क्या करती है दोस्तों, सभी का सम्मान करती है। आप यह नहीं कहेंगे कि देश के अंदर कोई सरकार किसी एक धर्म को आगे बढ़ाएगी। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या है कि हमारी नजर में, देश की सरकार की नजर में, देश की कानून की नजर में सभी धर्मों को समान माना गया है और सबको सम्मान दिया गया है। भारत के संविधान में ये घोषित किया गया है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे अगर आप पाकिस्तान को देखें तो एक इस्लामिक देश है, जैसे अगर आप लोग ब्रिटेन को देखें तो वो क्रिश्चियन देश है। लेकिन प्यारा भारत जो है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सब धर्मों को समान और सब धर्मों का सम्मान किया गया है। और देश के संविधान के अनुसार भारत में कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं बताया गया। इसके तहत हमने क्या किया है, इसके तहत हमारे देश में ये बताया गया कि हम सभी लोग क्या है दोस्तों, एक दूसरे के भाई भाई हैं, है ना। सबको साथ मिलकर चलना होगा। जब हम साथ मिलकर चलेंगे तभी वास्तविकता में हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि एक वास्तविकता में हम देखते हैं कि विकास आ सकता है। अगर हम लोग देखें दोस्तों, हमारे प्यारे भारत के अंदर लोग अपनी मर्जी से क्या है दोस्तों, किसी भी धर्म को मानने की छूट देता है। हमारा देश अगर यह कहता है कि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं तो आप किसी भी धर्म को माने, कोई प्रकार की आप पे क्या होगी दोस्तों, कोई आप पे रोक टोक नहीं होगी। आप किसी भी धर्म को माने या फिर आप किसी धर्म को ना माने, आप ये कहेंगे भाई मैं ईश्वर में मानता ही नहीं हूं, तो देश का कानून आपकी क्या करता है दोस्तों, आपको परेशान नहीं करेगा। देश का कानून, देश की सरकार आपसे धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। भारत का संविधान क्या करता है दोस्तों, किसी भी धर्म के मुद्दे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो देश की सरकार होगी वो आपके धर्म से संबंधित किसी भी मुद्दे में अपनी क्या रहेगी, कानून नहीं बना सकती। और सभी धर्मों को क्या होगा दोस्तों, आप देखते कि हमारा ये जो धर्मनिरपेक्ष नीति है सबको साथ लेकर आगे चलने की बात करता है ना। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसी को हम लोग भारत के एक बेहतरीन समाज के तौर पर देख रहे हैं कि है अलग अलग धर्मों वाला देश लेकिन सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा भारतवर्ष चल रहा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत सभी धर्मों को सम्मान दिया गया और सबको समान माना गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों चुनावों के अंतर्गत एक और बड़ी समस्या हमें देखने को मिल जाती है हमारे भारत में, और वो क्या है कि जैसे लोग वोट देते समय धर्म को देखते हैं, ऐसे ही लोग वोट देते समय दोस्तों जाति को भी देखते हैं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश रहा है दोस्तों जहां पर जाति व्यवस्था शुरुआत से ही हम देखते हैं कि विद्वान थी, है ना। हम भारत के अंतर्गत अगर देखें दोस्तों कि हमारे देश के अंदर चार वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये जो भारत का जाति व्यवस्था थी, ये भारत को दुनिया के अन्य सभी देशों से पूरे तौर पर अलग बनाती है ना। तो जैसी जाति व्यवस्था भारत के अंतर्गत है वैसी जाति व्यवस्था कहीं है ही नहीं। अलग अलग देशों में धर्मों के आधार पर, भाषा के आधार पर लोग बटे हुए हैं। भारत में धर्म के आधार पर भी हैं बटे हुए, भाषाओं के आधार पर भी और जातियों के आधार पर भी हैं। पुराने समय के अंदर जो व्यक्ति जैसा काम करता था, उसका जो पेशा था, है ना, उसके आधार पर उसको उस जाति से संबोधित कर दिया गया कि अगर आप पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं तो आपको बता दिया गया कि आप ब्राह्मण जाति से संबंधित हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको क्या बता दिया गया दोस्तों, आपको बता दिया गया कि आप व्यापारी समुदाय से आते हैं। अगर आप साधारण काम कर रहे हैं तो ये बता दिया गया कि आप शूद्र समुदाय से आ रहे हैं। तो लोगों को उनके काम के आधार पर हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही उनको जो वो काम करते थे, फिर उनका काम उनकी ही क्या बन जाता है दोस्तों, पहचान, या फिर जाति के तौर पर हम देखते हैं कि पहचान बनाता गया। हम देखते हैं कि अब कोई व्यक्ति अगर किसी जाति विशेष में पैदा हुआ प्राचीन समय में,
है ना, तो उसी जाति विशेष के अंतर्गत आप क्या है दोस्तों कि उसको काम करना होता था, है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखते थे कि वही काम किया जाता था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते थे कि जो काम था वो लोगों में हस्तांतरित हुआ करता था, और अक्सर किसी भी जाति के लोगों में आप देखते थे कि जो समुदाय थे वो जाति के प्रति गहरा लगाव रखा करते थे। तो भारत के अंतर्गत हम देखते हैं शुरुआती समय में लोगों के अंतर्गत जो जातियों का बंटवारा हुआ वो उनके काम के आधार पर हुआ, है ना, जिन्होंने जैसा काम किया उनको उसी के आधार पर उनकी जाति उसमें बांट दी गई, ठीक। और जो लोग साधारण काम करते थे दोस्तों उनको हम लोग किस नाम से पुकार रहे थे, उनको हम लोग शूद्रास के नाम से या फिर शूद्र लोगों के नाम से पुकार रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो काम करने वाले लोग थे ना, जो अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, इनमें से कुछ लोगों ने अपनी जातियों को कहा कि भाई हम तो श्रेष्ठ हैं, है ना, क्या कहा कि हम तो ऊंची जाति हैं और बाकी जो साधारण काम करने वाले लोग हैं ना ये निम्न जाति हैं। तो धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो हम देखते हैं कि ये देखा जाने लगा कि कुछ जातियों ने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया, ऊंचा घोषित कर दिया, और बाकियों को कहा कि नीचा है। भाई काम तो काम है, अब चाहे आप कोई भी काम करो, कोई ऊंचा काम नीचा काम थोड़ी होता, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता चला गया तो कुछ जाति विशेष के लोगों ने अपने आप को ऊंची जाति घोषित कर दी और दूसरों को निम्न जाति या फिर नीची जाति घोषित कर दी, और फिर इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो लोग नीची जाति से संबंधित रहे उनके साथ फिर बड़े स्तर पर हजारों सालों से हम देखते रहे कि शोषण होता रहा। हाँ, आजादी के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे शूद्र समुदाय से, हमारे ये जो दलित समुदाय से आने वाले लोग थे जिनके साथ बहुत भेदभाव होता था, अगर कोई शूद्र समाज से आने वाला व्यक्ति या फिर दलित समाज से आने वाला व्यक्ति कहीं चल रहा होता था तो उसे अपनी कमर के पीछे झाड़ू लेकर चलना होता था। ये ऊंची जाति नीची जाति वाले लोग दूसरे के टच में नहीं आ सकते थे, अगर वो टच कर देते थे तो आप देखते हैं कि उसको बहुत अपवित्र माना जाता था। ये जो हमारे दलित भाई थे इनको मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं थी, भगवान का मंदिर तो सभी के लिए है लेकिन उसमें भी उनको जाने की आज्ञा नहीं थी। तो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि इनके साथ भेदभाव होता था, लेकिन आज़ादी के बाद देश में समानता का अधिकार लाया गया, देश में सबको समान माना गया, क्या वास्तविकता में समानता आई है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि दोस्तों देश में आजादी प्राप्त हुई साल 1947 में, और उसके बाद ये कोशिश की गई कि देश के अंदर हम सभी लोग समान होंगे, देश में सबको समानता का अधिकार दिया गया कि भाई हम लोग किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, है ना, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। क्या ऐसा वास्तविकता में होता है? देश के अंदर ये समानता का अधिकार तो दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी ये सोच रही है कि एक जाति कमजोर मानी जा रही है, एक जाति को दूसरी जाति से कमजोर माना जा रहा है, ये हमें देखने को मिलती है। अभी भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं ना दोस्तों, तो वहां पर जो कुछ ऊंची जाति के लोग हैं वो जो अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, मंदिर में आज्ञा नहीं देते हैं, बाहर आप देखते हैं कि नोटिस लगा दिया जाता है कि ये जो मंदिर है ये सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का है, निम्न जाति के लोग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। उसी के साथ जो कुछ ऊंची जाति के लोग हैं दोस्तों, वो आप देखते हैं कि जो हमारे दलित भाई हैं उनके साथ भी आपको देखता है कि उनकी परछाई से भी आप देखते हैं कि वो बचने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद भी वास्तविकता में अगर हम लोग देखें समानता का अधिकार तो है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी सोच इस तरीके से है कि जहां पर हम लोग इस प्रकार से भेदभाव होते हुए अपने समाज में कहीं ना कहीं देख लेते हैं, है ना। सो सर, इसका निवारण क्या है, हम इसको कैसे कमजोर कर सकते हैं? ये जो हमारे देश के अंदर जातिगत विभिन्नता हमें दिख रही है, जाति के आधार पर अब भी लोग मतभेद कर रहे हैं। देखिए, अगर आप शहरों में देखते हैं तो हमें ना शहरों के अंदर क्या दिखता है दोस्तों कि इस प्रकार का जो जातिगत भेदभाव होता है या जो जातिगत विभाजन होता है वो नहीं दिखता। तो अगर हमें देश के अंतर्गत ये जो जाति के आधार पर बटा हुआ बंटवारा है इसे कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, हमें सबसे पहले तो शहर बनाने होंगे, शहर में ये मतभेद ये भेदभाव कम देखने को मिलता है। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे लोगों की सोच बेहतर होती है, उतना हम जातिगत जो विभाजन है उसे कम कर सकते हैं। अगर आर्थिक विकास होगा, लोगों का आर्थिक विकास होगा, लोग अमीर होंगे समृद्ध होंगे तो वो इस पुरानी सोच से आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सुने, है ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, चुन सकता है, अगर उसको कोई भी काम चुनने की आज्ञा होगी तो उससे भी हमारी ये जातिगत विभिन्नता टूटेगी। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अंतर जातीय विवाह की, अगर देश के अंदर अंतर जातीय विवाह किया जाए, एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति के अंतर्गत क्या करेंगे, अगर विवाह करेंगे, तो इससे हम देखते हैं कि ये जो जातिगत प्रथा है भारत के अंदर जिसमें अभी भी हम देखते हैं कि भेदभाव हमें होता हुआ दिखता है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, समाप्त कर सकते हैं। तो अंतर जातीय विवाह हमारे देश के अंदर क्या कर सकता है, भारत की जो जातिगत विभिन्नता है इसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाप्त कर सकता है। कुछ और बिंदु हैं दोस्तों कि राजनीति में, जैसे हमें पता है कि चुनावों के समय में क्या कर लिया जाता है, आप सभी को पता है कि चुनाव जब आ जाते हैं तो देश में लोग या तो धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं या फिर कहते हैं कि भैया
हम आपकी जाति के हैं। तो भारत की राजनीति में अगर हम लोग देखें दोस्तों, जाति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चुनाव जब हो रहे होते हैं तो उसके अंतर्गत जो उम्मीदवार होते हैं ना, वो इस तरीके से तय किए जाते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कोई एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं तो उसी समुदाय विशेष के व्यक्ति को क्या किया जाता है, जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं वो उम्मीदवार बनाते हैं। तो जातिगत राजनीति भारत की पहचान कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बन गई है, और हर राजनीतिक दल यही चाहता है कि वो क्या करे दोस्तों, मुख्य तौर पर क्या करे, अपने लोगों को उन्हीं किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर किसी एक जाति के लोग रहते हैं तो वो चाहते हैं कि भैया क्या किया जाए कि उसी जाति के व्यक्ति को वहां से खड़ा किया जाए ताकि हम लोग अधिक से अधिक वोटों को प्राप्त कर सकें, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें दोस्तों कि राजनीति अगर सिर्फ जातियों के आधार पर होगी, जाति के आधार पर लोगों से वोट माना जाएगा, तो गलत लोगों के चुनने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ ये कहे कि मैं आपकी जाति का हूँ, आप मेरी जाति की, आप मुझे चुन लें, आप उसे वोट दे आए, और फिर वो गलत काम करे, आपका काम ना करे। तो गलत लोगों के नेता बनने की संभावना इस तरीके से बनी रहती है अगर आप जाति के आधार पर वोट देते हैं। इसीलिए ये जरूरत है कि क्या किया जाए दोस्तों, कि हमें मुख्य तौर पर जाति के आधार पर नहीं बल्कि हमें लोगों को उनके काम के आधार पर वोट देने की जरूरत है, जो चुनाव के अंदर सही तरीके से वादे करे, है ना, कि भाई मैं आपके शहर में बिजली लाऊंगा, सड़क मजबूत करूंगा, जो असली वादे करे, जो शिक्षा को बेहतर करने की बात करे, समाज को बदलने की बात करे, उनको आप अपना उम्मीदवार बनाएं, उनको आप अपना नेता चुने, ऐसे लोगों को नहीं जो सिर्फ जाति के आधार पर आपसे अपनी बात करें, है ना। उसी के साथ साथ हमें दिखता है कि दोस्तों जातिगत समूहों को अगर आप लोग देखते हैं तो देश के अंतर्गत हमें अगले और पिछड़े लोग भी देखने को मिल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि जो ना तो ऊंची जातियों में रहें, जो ना तो नीची जातियों में रहें, ये समाज का एक अगला हिस्सा हमें दिखता है। जो ना तो ऊंची जातियों में शामिल रहें, जो ना तो नीची जातियों में रहें, ये पिछड़े लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इनको भी आप लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है दोस्तों, इनको भी शासन में शामिल किया जाने की कोशिश की जाती है कि इनको भी अलग अलग राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बनाएं। अच्छा, अगर देश के अंदर दोस्तों इसी तरीके से हिंसा होती रहे, मान लीजिए कि अगर देश में हम लोग ये कोशिश करते रहें कि हम जाति के आधार पर ही वोट मांगते रहें और काम ना करें, और एक जाति दूसरी जाति को हीन माने, दूसरी जातियों से भेदभाव करें, तो क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि इससे हिंसा पैदा होगी, इससे टकराव पैदा होगा, इससे देश का विकास रुक जाएगा, है ना, इससे राज्य का विकास रुक जाएगा, इससे शहर का विकास रुक जाएगा। तो देश में अगर आर्थिक विकास चाहना है, देश में अगर सबको आगे बढ़ाना है, सबके जीवन को बेहतर करना है, तो ये जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए, जातिगत आधार पर ये जो विभाजन है इसे खत्म किया जाए। अब यहां पर दोस्तों हम एक चीज बड़े रोचक तौर पर देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंतर्गत अगर हम लोग हमारी जातिगत असमानता को देखें, कि जातियों के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं कि कहां पर हमारे कितने प्रतिशत लोग हमें गरीब दिखते हैं ग्रामीण में और शहरी में, इसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी क्या स्थिति है। तो जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, गरीबी रेखा का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहते हुए 2400 कैलोरी प्राप्त कर पाता है और शहर में रहते हुए 2100 कैलोरी प्राप्त कर पाता है, उसे भारत के अंतर्गत गरीब माना जाता है। खाना खाने से हमें कैलोरीज मिलती है और ये गरीबी का मापदंड होता है। तो अगर आप लोग अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, है ना, अनुसूचित जाति का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि हमारे जो SC भाई हैं, दलित भाई हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो 45% हमारे दलित भाई हैं जो गरीब हैं, शहरों में ये 35% के करीब हैं। वहीं अनुसूचित जाति जो है दोस्तों, अगर हम लोग देखें, अनुसूचित जो हमारी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति माफ कीजिएगा, अनुसूचित जनजाति का मतलब हुआ कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, अनुसूचित जनजाति का मतलब कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, है ना, जो जंगलों में रहते हैं, वो गांव में 45% गरीब हैं और शहरों में 35% गरीब हैं। अनुसूचित जाति हमारे दलित भाई हैं दोस्तों, है ना, अगर आप देखें जो हमारे दलित भाई हैं वो गांव में अगर देखें तो 35% अगर गांव में लोग रह रहे हैं उसमें दलित हैं तो वो गरीब दिखते हैं, शहरों में 38% लोग दलित भाई हमारे गरीब दिखते हैं। अन्य पिछड़ी जातियां जो ना तो ऊंची हैं ना ही नीची हैं, है ना, ये पिछड़ी जातियां हैं, तो ये 27% ग्रामीण इलाकों में गरीब हैं और शहरों के अंदर ही 29% के करीब गरीब हैं। मुस्लिम की जो अगड़ी जातियां हैं वो 26% आपको ग्रामीण इलाकों में गरीब दिखती हैं और शहरों में 34% गरीब दिखती हैं। हिंदू जो अगली जातियां हैं उनमें 11% आपको दिखता है दोस्तों कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब हैं और 9% शहरों में गरीब हैं। ईसाई जो अगली जातियां, अगली जातियों का मतलब जो ऊंची जातियां ईसाई धर्म में मानी जाती हैं, वो 9% के करीब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब हैं और शहरों में 54.5% के करीब गरीब हैं।
अगर धर्म के आधार पर हम लोग देखें, जो सिख धर्म है दोस्तों, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें वो 4.9% लोग ही ये गरीब दिखते हैं, और अन्य अगली जातियों में 16% लोग आते हैं और वहीं 2.7%। तो मोटे मोटे तौर पर ये आंकड़ा हमें बताता है कि भारत में अगर हम लोग देखें तो हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो बड़े स्तर पर हमें क्या दिखते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा गरीब दिख रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारे दलित भाई हैं वो हमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहे हैं, पूरे तौर पर गरीब दिख रहे हैं। 35% आदिवासी लोग अभी भी हमारे जो हैं वो गरीब हैं, और दलित भाई चाहे वो शहर में रहें या फिर गाँव में रहें। और इसके पीछे वजह रही है कि इनका बहुत ज्यादा समय तक शोषण किया गया, इसीलिए जरूरत है कि इनको ज्यादा से ज्यादा और मौके दिए जाएं और समाज में इनको एक बेहतर मौका दिया जाए, क्योंकि सब लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि सब लोग तो आपको दिखता है दोस्तों कि विकास की धारा में आगे बढ़ चुके हैं, ये लोग काफी पीछे रह गए हैं। तो अगर इनको सबके साथ लाना है तो इसके लिए इनको और बेहतर सुविधाएं देनी होगी। और ये जो आर्थिक असमानता हमें देखने को मिल रही है ना, कि किसी समुदाय में बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, किसी में बहुत कम गरीब हैं, इसको कम करने का बेहतरीन मौका यही है कि सबका साथ सबका विकास वास्तविकता में किया जाए, तभी देश के अंदर समाज के अंदर एक बेहतरीन बदलाव आ सकता है। तो जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये था हमारा अध्याय जिसके अंदर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर से संबंधित हर एक कहानी को दोस्तों आप सभी के समक्ष रखा। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको जरूर पसंद आया होगा। आप लोग अब जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग अपना नेक्स्ट अध्याय कौन सा देखना चाहते हैं, जिस चैप्टर की होगी सबसे ज्यादा डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग रखेंगे आपके सामने। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।